नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हंसने का वास्तव में कोई भी मीनिंग नहीं होता। हंसने का मतलब तो बस हंसना होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हंसी यानी मुस्कान की। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि वह हंसने के लिए भी टाइम निकालना भूल गए हैं। आपकी हंसी जहां आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, वहीं हंसने और मुस्कुराने से आपकी निजी और सोशल लाइफ भी ज़्यादा खुशनुमा बन जाती है। सिर्फ आपकी हंसने की वजह से लोग आपके साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है। अगर आप ज़्यादा हंसते हैं तो आप ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और आपके ज़्यादा हंसने की आदत की वजह से ही लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं और खुशनुमा होते हैं, लोग उनके साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हंसी यानी कि आपकी मुस्कुराहट के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको भी हैरान कर देंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हंसने के लिए 17 मांसपेशियां उपयोग में आती हैं, लेकिन गुस्सा करने के वक्त 47 मांसपेशियों का उपयोग होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि हंसना आपके लिए अच्छा है या गुस्सा करना। नंबर 2, हंसने से खून का बहाव 22% तक बढ़ जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी हंसी को कितनी दूर से पकड़ा जा सकता है, यानी कि कितनी दूर से आपकी हंसी को महसूस किया जा सकता है। नहीं ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इंसान 300 फीट की दूरी से भी मुस्कान को पकड़ सकता है, यानी कि आपकी हंसी को महसूस कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी हंसी कितने प्रकार की होती है। नहीं ना, तो हम आपको बताते हैं। हंसी 19 प्रकार की होती है। आप ज्यादातर कब हंसते हैं, जब आपको कोई गुदगुदी कर दे तब। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गुदगुदी करने पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चूहे भी हंसते हैं। दोस्तों, खुलकर हंसना आपके तनाव को 35% कम कर देता है। वहीं आप अगर अकेले रहते हैं और सबसे अलग थलग रहते हैं, तो आपके अकेले रहने से आपकी हंसी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका अकेले रहना आपकी हंसी को 30% तक कम कर देता है। आपने कभी सोचा है दोस्तों कि लेडीज ज्यादा हंसती हैं या जेंट्स। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जेंट्स से ज्यादा लेडीज हंसना पसंद करती हैं। वहीं जहां जेंट्स खुद को रिजर्व रखते हैं और कम हंसते हैं, उसकी ऑपोजिट लेडीज ज्यादा हंसती रहती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच में हंस रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक पावरफुल फैक्ट है। आपको पता लग जाता है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन नकली हंसी हंस रहा है और कौन असली। आपका दिमाग नकली हंसी को पकड़ सकता है, और आप झट से पता लगा लेते हैं कि ये इंसान सिर्फ हंसने का दिखावा कर रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों को आदत होती है अपने दुख को हंसी के पीछे छुपा लेना। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हंसी ही एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग करके हम बड़े से बड़े दुख को छुपा सकते हैं। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो लोग आपके दुखी होने का संदेह आप पर कम करते हैं। वहीं एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि हंसने और मुस्कुराने वाले लोग जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि दोस्तों, हंसने और मुस्कुराने से ज़िंदगी में कुछ साल और बढ़ जाते हैं। हंसना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, ना कि जोक्स पर। वहीं वैज्ञानिक हंसी को एक प्रकार का विज्ञान मानते हैं। इससे हमारे शरीर पर होने वाले प्रभाव को जेलोटॉलजी कहा जाता है। इंसान लगभग दिन में 13 बार हंसता है। दोस्तों, खुशी के स्तर को मापना मुश्किल होता है, लेकिन सही लफ्जों में कहें तो हंसना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो आपको खुशी दे सकता है वो इंसान आप खुद ही हैं। इसीलिए हमेशा अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हो, ना कि दूसरों पर निर्भर हो। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हंसना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें लाइक एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल वीकेंड रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।